ट्रेंड्स हैं, हमारे जोडियक में 12 साइंस हैं, 27 नक्षत्र हैं, हर नक्षत्र के आपको जो चार चरण मिलेंगे, चार चरण बस इतना जिसको नॉलेज है वो इसको बैठ के सीख सकता है। इस सर्वतोभद्र चक्र से हम लाइफ की छोटी से बड़ी इवेंट्स को भी जान सकते हैं। इसी चक्र से आपको मृत्यु, एक्सीडेंट या बैंक्रप्सी या कोई विपत्ति या कोई बीमारी, इसी चक्र में आपको सब पता चल जाएगा। आपकी दशाएं जो आने वाली हैं या चल रही हैं वो कैसी दशा होगी वो भी आपको पता चल जाएगी। अभी हमारे पास एक मेजर ट्रांजिट होने को जा रहा है जिसको हम कहते हैं शनि का कुंभ राशि में जाना। अगर आप यहां पे देखें तो इस समय शनि धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में है, जो कि मकर राशि का आखिरी भाग आता है। अगर आपको यहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है जहां पे शनि शनि लिखा हुआ है, तो वो धनिष्ठा नक्षत्र के धनिष्ठा नक्षत्र में है, जो कि दसवीं राशि का जो छोटा भाग रह गया है उसमें है। अब 17 तारीख को शनि जो है वो गोचर जब अपना करेंगे इक्वेरियस में, तो वो तीसरे यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको डेट चेंज करती हूं, 17 तारीख को है उनका एक सेकेंड, मैं डेट चेंज करती हूं, मैं उनका गोचर लगा रही हूं। 17 तारीख का जो गोचर है यहां पे देखें, जो पुरानी कुंडली थी वो चेंज हो गई 17 तारीख का। अभी का जो समय है उसी का मैंने गोचर लगाया है, जो प्लेस मैंने लिया है जहां मैं बैठी हूं आप देख रहे हो। जो लाल में शनि लिखे हैं वो ट्रांजिट के शनि हैं। आपने देखा कि शनि जो है वो इक्वेरियस में प्रवेश कर गए हैं और धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण पर है। उनका वेद देखिए, ये दिख रहा है आपको, उनका वेद देखिए, अश्लेषा नक्षत्र पे उनका वेद होगा। अश्लेषा नक्षत्र पे वेद होगा और लेफ्ट साइड का वेद होगा क्योंकि शनि रेट्रोग्रेड नहीं है। अब हमारे पास YouTube पे बहुत कुछ अवेलेबल है। इस समय जो है हर कोई शनि के वेद, शनि के ट्रांजिट को लेके अपनी अपनी अनुमान लगा रहा है। अनुमान सही भी हो सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने हमें अपने हाथ में अभी भी डोर रखी है। अब यहां से आप देख रहे हो कि एक्वेरियस राशि में बैठा हुआ शनि अश्लेषा नक्षत्र को वेद रहे हैं। अब तीसरे चरण के धनिष्ठा नक्षत्र से जो वेद होगा वो अश्लेषा के तीसरे चरण पे होगा। चरण एक, दो और चार, अगर आप यहां पे देखें कि ऊपर राशि क्या लिखी हुई है, कर्क राशि, कर्क राशि का आपको 1, 2, 3, 4 यानी अश्लेषा नक्षत्र, जो लोग पुष्या नक्षत्र में हुए उनका जो फर्स्ट चरण आया, पुष्या का जो फोर्थ आया और कैंसर का जो जस्ट स्टार्ट हुआ वो वहां से निकल गए, मतलब शनि ने वहां से क्रॉस कर लिया। अब शनि जो वेदेंगे वो सीधा का सीधा तीसरे चरण अश्लेषा का वेद होगा। आप में से किसी का प्लैनेट, मान लो यहां सूर्य बैठे हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहां पे किसी के नेटल चार्ट के सूर्य बैठे हैं, तो कोई मुझे बता सकता है कि उसको क्या असर आएगा। मान लो किसी का सूर्य आपके कर्क लगन में या अश्लेषा के नक्षत्र में तीसरे चरण में बैठे,
यहां से जो वेद होने वाला है वो अश्लेषा के तीसरे चरण पर वेद होगा, धनिष्ठा के तीसरे चरण से, जिसके उस इंसान को हम ये कह सकते हैं कि आपके नेटल सूर्य पे तीसरे चरण धनिष्ठा का वेद होने वाला है, आप गवर्नमेंट के काम में अपना हाथ ना डालें, या आपको क्रूर ग्रह आपके सूर्य को वेदेगा और आपके पिता की तबीयत खराब हो सकती है, या पिता को कोई लंबी बीमारी डायग्नोस हो सकती है। अब जो बाकी हमारे नक्षत्र हैं उन पे आपके सामने कोई असर नहीं आया, लेकिन कुछ ऐसे हमारे बिंदु या हमारे ऐसे 27 नक्षत्र में और 88, ये जो आपके सामने जो ये नंबर्स लिखे आ रहे हैं, ये आप ये देखें कि ये जो नंबर्स लिखे आ रहे हैं, ये नंबर्स, इनको मान लीजिए कि आज का जो एसेंडेंट हमें मिला है वो हमें मगा लियो का एसेंडेंट हमें मिला है, तो जब हम यहां से काउंट करेंगे तो जो 88 पद आएगा वो इसका लास्ट नक्षत्र होगा इस बंदे का, अगर उस पे फुल ईयर या इस मंथ किसी भी नक्षत्र किसी भी ग्रह ने लत्ता मारी। क्रूर ग्रह, क्रूर ग्रह कौन माने जाते हैं? आपके क्रूर जो ग्रह माने जाते हैं वो शनि, मंगल, राहु, केतु और सूर्य और जो चंद्रमा है उनके ऊपर जब इन ग्रहों का वेद होता है तो मार्केट उठती है। जब सोम्य ग्रह शुक्र, बुध और आपके गुरु का वेद होता है तो मार्केट गिरती है। ऐसे ही आप पे असर आता है। क्या असर आता है? अगर आपके मान लो कि चंद्रमा पे सूर्य का, अब यहाँ पे आप ये देखिए उस दिन आप ये देखें कि ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा उस दिन कौन सी राशि में गोचर करेगा? अनुराधा में गोचर करेंगे। अनुराधा स्कॉर्पियो राशि, पहला अनुराधा का पहले चरण में चंद्रमा होंगे इस समय। यहां से अगर आप देखो तो विशाखा को वेदेंगे, ऊपर देखो तो वहां पे ट्रांजिट राहु को वेदेंगे, यानी चंद्रमा वेद रहे हैं राहु को। उस दिन मार्केट्स जो है आपकी वो गिरी हुई होंगी, शांति होगी। अगर अब आप यहां पे देखें तो वापस वेद आ रहा है राहु का भी, यानी उस दिन बैंक निफ्टी में ऊपर नीचे सारा दिन जाएगा। समझ ही नहीं आ रहा होगा कि आज हुआ क्या है, क्योंकि यहां से हमें दिख रहा है एक तो मेजर ट्रांजिट, ऊपर से अश्लेषा के तीसरे चरण पे। अगर हम चंद्रमा से काउंट करें तो अश्लेषा आप देखें कि हमारे कौन से उस पर आता है। मान लो कि अनुराधा से हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो यहां से जो आपका 21वां नक्षत्र आ रहा है, 21वें नक्षत्र पे जो वेद होगा वो कई लोगों को उस दिन माला माल कर देगा मार्केट में, और कई लोग सारा माल बेच के जो है या महंगे दामों पे खरीद के ये बैठ जाएंगे कि कल की मार्केट भी ऐसी खुलेगी। अब यहां पे देखिए कि राहु जो है चरण आपके दो में है, वन एक में ही है और चंद्रमा भी एक में है। जो ट्रांजिट वाले है वो रेड में है और जो आपके नेटल चार्ट वाले हैं वो ब्लू में है। तो जो नेटल चार्ट जो हमने प्रश्न कुंडली लगाई थी उसका जो राहु है वो दो में है और जो ट्रांजिट वाले राहु है वो चरण एक में है भरनी के। ऐसे ही अनुराधा का जो चरण एक में ही चंद्रमा है। इससे एक चीज हम और भी देख सकते हैं, जो कुंडलियों में हम युतियां देखते हैं, जब हम युति देखते हैं तो उस युति का कितना असर इंसान पर आ रहा है वो भी हम सर्वतोभद्र चक्र से लगा के देख सकते हैं। कैसे? मान लीजिए किसी का शुक्र और गुरु एक ही घर में बैठा है,
लेकिन उनके चरण अलग अलग हो गए। तो वो जो कंजंक्शन है वो उतना अच्छे से काम नहीं करेगा, लेकिन उसमें हमें फिर ये देखना होगा कि भाई चरण जब बदल जाता है और ग्रह अलग अलग चरण में बैठे होते हैं तो थोड़े से दूर हो गए, प्लस जिसके नक्षत्र में ये दोनों बैठे हैं उसका जो स्वामी है वो कहाँ पे आपके कैसा प्लेस्ड है, नवांश में कैसा है, आपकी लगन चार्ट में कैसा है, ट्रांजिट में कैसा है, तो उस हिसाब से हम सर्वतोभद्र चक्र को जांचते हैं।